आगे बढ़ते हुए अब बात लखनऊ की करेंगे, जहां पर एक वायरल वीडियो को लेकर घमासान मचा हुआ है। वीडियो में एक लड़की कैब ड्राइवर की पिटाई करती नजर आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आखिर क्या है पूरे वीडियो का सच, आइए देखते हैं। लखनऊ के बीच सड़क पर मचे इस तमाशे को देखिए। कैब ड्राइवर हाथ जोड़ता है, लोगों से मदद की गुहार करता है, लेकिन लड़की का प्रहार जारी रहता है। पुलिस मौजूद है, पब्लिक मौजूद है, लेकिन थप्पड़ों की बौछार जारी है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। कौन देगा मेरे मालिक का? कुछ देर बाद एक शख्स ने जब लड़की को रोकने की कोशिश की तो लड़की ने उस पर भी हमला कर दिया। तस्वीरें 30 जुलाई की हैं, जो लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके से आई है, जहां बीच चौराहे पर करीब आधे घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया, जिसके 5 दिन बाद अब लड़की पहली बार कैमरे पर सामने आई, जिस पर कैब ड्राइवर पर हमला करने का आरोप। जैसे ये मेरे बहुत क्लोज आ गया था तो मैंने इसको गाड़ी से निकाला, मैंने थप्पड़ मारा, मैंने देखा कि ये फोन चलाते हुए आ रहे हैं आगे और इनको कोई मतलब नहीं है कि सामने एक लड़की है, ठीक है। तो इसने लगभग हिट ही कर, और मैं उसको बार बार, मैं रुक करके उसके साइड फेस करके तो मैं उसको बता रही थी, वार्न कर रही थी कि मैं खड़ी हूं, अब रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका, ठीक है। और साइड में फोन चला, मैंने उसका फोन उठाया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मैंने उसको पकड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा मैंने, ठीक। इतने में सारे लोग जितने वहां पे थे वो आ गए, उनमें से एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भागी रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए, मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है। मैं माफी मांग रहा था, मोबाइल मेरा तोड़ा, जब भी मुझे गुस्सा नहीं आया, 2 बार हिट कर मोबाइल को तोड़ा, 3 बार उधर जाके फिर ब्रेकर के पास लड़ाया, जब भी पूरा जब मोबाइल डैमेज हो गया, मैं तो बाहर आया था, मैं सिर्फ यही बोला था मैडम मेरी क्या गलती है बताइए, सॉरी बोल रहा हूँ भाई, एक तमाचा मार देती, 2 तमाचे मार देती, 3 तमाचे मार देती, मगर लगातार मुझे भी नहीं मालूम कितने मारे तमाचे, तकलीफ तो हो रही है तमाचे जो पड़े हैं। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि लड़की जेब्रा क्रॉसिंग पर रेड लाइट क्रॉस कर रही है, यहाँ कैब आकर रुकती है, जिसके बाद लड़की कुछ पल के लिए ठहरती है और फिर तेजी से कैब की ओर बढ़ती है, जिसके बाद मारपीट का ये पूरा खेल शुरू होता है। लेकिन लड़की का कहना है कि उसके साथ 4 लड़कों ने मारपीट की, जिसकी तस्वीरें इस सीसीटीवी में नहीं आई। यही मार रहा था और कोई नहीं मार रहा था, ये कह रहा है ना कि मैं, तू लड़का होती तो मैं बताता, इसने मुझको मारा है बहुत बुरी तरीके से, ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसने उन लोगों के साथ मिलके मुझे मारा, यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। लड़की का कहना है कि उसे हार्ट, ब्रेन और किडनी की बीमारी है, जिसकी वजह से वो वॉक पर निकली थी, लेकिन ड्राइवर ने उसके साथ बदसलूकी की। हार्ट की प्रॉब्लम है मुझे, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह से वहां पे वॉकिंग के लिए जा रही थी। पुलिस ने कैब ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन बाद में कैब ड्राइवर की शिकायत के बाद लड़की के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कैब ड्राइवर ने लड़की पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आज सम्मान तो मेरा चला ही गया, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई, मैंने FIR तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मेरी कोई सजा नहीं थी, मुझको बंद कर दिया 24 घंटे, ये बाहर क्यों है। इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस भी सवालों के घेरे में है, बीच चौराहे पर यह घटना होती है और पुलिस तमाशबीन बनी रहती है। संतोष कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ।